कमल के इतने सवेरे सवेरे कहाँ भाग रहे छोटे? मैंने रंजो के साथ एक बाजी लगाया है कि मैं जंगल में सबसे जल्दी उठ सकता हूँ, चलता हूँ। लगता है रंजो का दिमाग खराब हो गया है, शायद वो अभी भी सो रहा है। सब लोग जीतेगा। मेरे दोस्त, मेरे साथ नाच क्यों नहीं रहे हो? आओ। क्या बताओ टॉप? कोई बात नहीं, मैं जीत गया हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ तुम कौन हो? तुमने कहा था कि मुझसे लड़ाई होगा, लेकिन तुमने पूछा कि मैं कौन हूँ? तुम्हें लगता है कि एक टोपी और गंदा सा ट्रंप के साथ तुम मुझे बेवकूफ बना सकता है? डब्लू, तुम किस पे चिल्ला रहे हो? रैंचो, फिर रैंचो सेंचो। डब्लू जो की दिखने में रैंचो जैसा ही है, आशा करती हूँ उनका काम भी एक जैसा ना हो, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। देखा तुमने, मैं इस विशाल जंगल का राजा हूँ। क्या ये लोग तुम्हारे प्रजा हैं? क्यों हमारे पास इतनी सारी प्रशाखाएं हैं? हाँ, ये लोग मेरी प्रजा हैं। रेंचो के राजभक्त प्रजा कैसे हो? ये लोग भाग क्यों रहे हैं? अच्छा चलो वहाँ चलते हैं। जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं यहाँ का राजा हूँ। चलो फिर वो इस तरफ चलते हैं। मैं दुनिया का सबसे अच्छा राजा हूँ। चिरकुट, यहाँ देखो। उसकी आंखें कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इस जंगल में एक अच्छा वक्त बिता सकते हो, समझे? मैं भूखा हूँ, आज मुझे शायद मिल जाता। भाई को इतनी देर क्यों लग रही है? कौन है? ये तुम्हारे लिए डब्लू। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मेरे साथ आओ। क्या तुम्हें मिला? देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया है। क्या? वाह, मैं अभी आती हूँ। वाह, ये तो मेरी सोच से भी बड़ा निकला। कितना बड़ा है ये, मैं देख सकती हूँ। शुक्रिया। सेंचो को चाहते हैं, उनकी इतनी हिम्मत। महाराज भूलिए मत, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बाबू तुम तो सबसे अच्छे हो। मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। जी महाराज। माँ महाराज रुकिए। हाँ बबलू, क्या हो गया? हम आगे नहीं जा सकते। और ऐसा क्यों है? वहाँ ऊपर लखा रहता है, समझे तुम? लखा? ये लखा क्या है? वो एक लकड़हारा है, वो हमारे पेड़ काटता है और हमें परेशान करता है। तुमने लकड़हारा कहा? हाँ हाँ। मुझे उससे मिलना है, आओ चलो। रुक जाओ।
सर तो मुझे मेरी तनख्वाह भेजना भूल ही गए, अब मैं क्या खाऊंगा कैसे खाऊंगा, मर गया मैं। अरे तो दुनियादारी की कोई फिक्र नहीं है, उन्हें कभी ऐसा सर नहीं मिला होगा जो पगार देना भूल जाता। अरे बिल्ला, ये बात अपने दिमाग में डाल, जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं है। लखो कौन है वहाँ पर? हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? ये देखो। ये भी देखो। मुझे अकेला छोड़ दे बंदर। ये लो, इन सेवों को उठाओ और मेरे सामने से जाओ। ये लड़का, ये फल तुम्हारी मदद के लिए है, समझे? दोस्त बनने का नाटक मत करो, अपना फल उठाओ और जाओ। इतना चिड़चिड़ा है ये, हम तो मदद करना चाहते थे। चलो घर चलते हैं। लगता है वो लोग धूम दबा कर भागे। ढूंढ लिया तुम्हें। राजो, तुम्हें ही ढूंढ रहा था मैं। तुम्हारा फल वापस देना था। किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें याद नहीं, तुम्हें मेरे दरवाजे पर छोड़ गए थे। तुम्हें ऐसा कुछ याद है बाबू? मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे ये तुम्हारा है? मेरा नहीं। ये तुम्हारा ही है फल। अरे मुझे तुम्हारा फल नहीं चाहिए ना, ऐसे वापस ले जाओ तुम। रुको, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वहीं पर रुक जाओ, इसे वापस ले लो। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हें कोई फल नहीं दिया। मत जाओ, मैंने तुम्हें कोई फल नहीं दिया। तुम्हें यह वापस लेना ही पड़ेगा। किस तरीके से बोलने से तुम्हारे दिमाग में घुसेगा? रुको, वापस आ जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा कुछ आत्मसम्मान है कि नहीं? क्यों तुम पागल हो? मैं तुम्हें कभी फल नहीं दे सकता हूँ। हाँ मैंने तुम्हें पकड़ लिया रंजो। अरे इसने मुझे पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? मुझे दो दो क्यों दिखाई दे रहे? ये मेरा चचेरा भाई है, उसने तुम्हें बचा लिया। वो तो राजू ही था। जो भी हो, मुझे तुम जैसे लोगों से कोई दान नहीं चाहिए। क्या कहो, क्या वो ठीक है? जब मदद करने दो। बहुत बड़ा वाला मिला। मेरा घर। ओ मेरे दोस्त। चलो भी चलो यहाँ कटा। लखा, हम सब दोस्त हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? चलो भी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? हमारे दोस्त बनकर। ये तो बहुत कमाल का है।
तुम अपने राजा को छोड़कर नहीं जा सकते बाबू। अरे शोर कैसा है, क्या टीवी चल रहा है क्या? टीवी तो नहीं चल रहा, फिर जरूर बाहर से आ रही होगी आवाज। अरे यार संगीत बंद करो, यहाँ लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं। अरे क्या बकवास है ये सब। तो संगीत आ कहां से रहा था? पूरी रात जागता रहा। आप तो मुझसे आंखें भी ठीक से खोली नहीं जा रही। ये तो मेरा तकिया है ना, कब से ढूंढ रहा था मैं तुम्हें, आखिर तुम मुझे मिल गए। आवाज कैसी है? हेलो लक्का बोल रहा हूँ, काम कैसा चल रहा है? हेलो सर कैसे? मैंने ढेर सारे पेड़ काट लिया, मैंने हिसाब ही पूरा कर लिया है। समझ गए, ठीक है। हाँ जरूर सर, अभी भेज देता हूँ। इतनी रात हो गई, इसका कसूर मैं उस संगीतकार को दूंगा जिसकी वजह से कल पूरी रात सो नहीं पाया। वापस जाकर सो जाता हूँ, काम तो कल भी करता रहूंगा। अब तो पानी सर से ऊपर उठ चुका है, मैं इसका पता लगा के रहूंगा। लखा के बच्चे, सब तुम लोग क्या कर रहे हो? आधी रात हो चुकी है, जानते हो लखा? हम तो राज का अभ्यास कर रहे हैं। तुम्हारा ये संगीत मेरा दिमाग खराब कर रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये संगीत तो बहुत ही आरामदेह है, समझे तुम? सही बात है, दिल को ठंडक पहुँचाता है। और अगर ये तुम्हें पसंद नहीं आए तो तुम हेडफोन क्यों नहीं डाल लेते? अरे ये तो मेरा पुराना वाला रेडियो है। अरे नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया, माफ कर दो लड़का, यह दुर्घटना है। बहुत हुआ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सारी रात ये सारे लोग गाना बजाते रहते हैं, अभी के अभी इसे बंद करो। तुम यहाँ पे फिर से क्यों आ गए? तुमने खाना क्यों बंद कर दिया? बोलो लक्का क्या हुआ? अगर ये तुम्हें पसंद नहीं है तो कानों में अपनी उंगली डाल लो, चलो भी हमें वो जगह ले लो लक्का, समझ गए? अरे माफ कर देना, वो दुर्घटना हो गई, मैं ऐसे बंद नहीं करना चाहता था। अरे एक सेकेंड रुको, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ये सब बेकार है, मुझे परेशान करते हो तुम, मतलब ही हो सबके सब। दो रातों से सो नहीं पा रहा हूँ मैं,
बहुत सह लिया मैंने, समझे तुम? इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, देखो मेरी आंखों को देखो, तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। कितने दिनों से सोया नहीं ठीक तरह, मैं बस सोने के बारे में सोच सकता हूँ, एक रात सोना है मुझे बस संगीत के बगैर। ठीक है अब मजा देखो तुम। तब लाओ लगाओ तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते हो। कितना मजा आ रहा है डब्लू, तुम तो कमाल हो चटे, मजा आ गया। अब की बार मैं उसे लेकर ही जाऊंगा, वक्त है कुछ करतब दिखाने का। या। पकड़ सकते हो तो इसलिए उन लोगों को जानवर कहते हैं, वो तो सिर्फ खुद के बारे में ही सोच सकते हैं, क्या परेशानी है ये तो। आए रुको जरा, वो तो दिन में सो रहे हैं, रात को गाना बजाते हैं, अब देखता हूँ मैं इन दोनों को। आज तो बहुत थक गया। आप देखो तमाशा, तुम्हारी दवाई कैसे तुम्हें मिलाता हूँ। क्या तुम सबसे अनोखा ढोल सुनने के लिए तैयार हो? मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मेरे पीछे आओ, देखता हूँ कौन है इसके पीछे। सच में तुम्हें आखिर हो क्या गया है? हाँ बोलो, तू तो अभी सो नहीं पाया। सही बात है। तो ये बात है, ऐसा लग रहा है आज मुझ में बहुत ऊर्जा आ गई है, मैं तो ये दिन भर कर सकता हूँ, इसलिए सोचा थोड़ा गाना बजाना हो जाए। इसकी आवाज थोड़ी नीचे रखो, जबकि हम सोने जा रहे हैं। अब तुम्हें समझ आया मुझे कैसा लग रहा है? मतलब ये बचाओ उसे, हम भी देखते हैं। देखो माफ कर देना, लखो तुम्हें पकड़ना तो बहुत आसान है। तुमने जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। माफ करना, मैं दिन में संगीत क्यों नहीं बजा सकता अगर मैं चाहूँ तो, जबकि तुम लोग रात में बजाते होता। तुम इस शोर को संगीत कहते हो? ये संगीत के नाम पे दबा है, सच्ची में रखा। ये संगीत तो ही है। अरे जाने भी दो, तुम मेरे ढोल को लेकर परेशान हो, लेकिन उस संगीत का क्या जो तुम पूरी रात बजाते रहते हो? तुम्हें लगता है वो संगीत अच्छा होगा, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही गंदा है। असल में वो सरासर अत्याचार है, जरा मेरी आंखों को तो देखो। तुम्हारी गलती, तुम्हें पता है कभी भी सोना पाना कितना भयानक होता है। सच्चाई तो ये है कि मुझे बस एक पूरी रात की नींद चाहिए और कुछ नहीं। क्या मैंने ज्यादा मांग लिया? मुझे नहीं मानता कि संगीत इतना खराब हो सकता है। मुझे लगा अगर हमें संगीत अच्छा लगता है तो सबको अच्छा लगेगा। मुझे सच में बुरा लगा कि हमने तुम्हारी नींद खराब कर दी है। हम शर्मिंदा है लखा, हमने सोचा नहीं था। ठीक है, हम तो रातों में गाना नहीं बजाएंगे, लेकिन सुनो तुम्हें भी ये भयानक ढोल बजाना बंद करना पड़ेगा। रुको जरा, अगर गाना नहीं बजेगा तो हम नाचेंगे कैसे बोलो? अरे हाँ, ये एक दिक्कत है, नाच बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है दोस्तों। मेरे पास एक तरकीब है। लखा का हेडफोन तो कमाल का है, मैं सुनता हूँ।
हाँ रुको जरा, हाँ एक मिनट, लखा के बच्चे। भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा है वो ऐसा कर सकता है। वो मामा कैसे बना सकता है? ये बच्चे की गाड़ी है। तेरा खेल खत्म। काम खलास। हेलो लक्का बोल रहा हूँ। लक्का क्या तुम सो रहे हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है ना। तुमने कई दिनों से एक भी पेड़ नहीं काटा, पेड़ काटने पड़ेंगे। अगर तुम्हें पगार चाहिए तो, नहीं तो खाने को भी अलविदा कह दो, समझे? अरे रुकिए तो, मुझे तो पिछले महीने की भी तनख्वाह नहीं मिली है, इसलिए मुझ पर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे डराने की कोई कोशिश मत करना, जबकि तुम मुझे वैसे भी पगार नहीं दे रहे हो, तो किस बात के लिए काम करूँ मैं तुम्हारे लिए? अरे बहुत भूख लगी है। ए, शांत हो जाओ लक्का, मेरे पास थोड़े पैसों की कमी थी, तुम जानते हो कितना भयानक होता ये। नहीं जानता मैं। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें खाना भेज रहा हूँ, खाना खा के वापस काम पे आ जाना। मुझे कोई बकवास और नूडल या उबला हुआ फालतू खाना नहीं चाहिए, समझे? मुझे ताजा खाना चाहिए, कुछ प्राकृतिक वाला, समझे? ये कसम से 100% प्राकृतिक होगा। मजे करो, देखते हैं क्या आया मेरे लिए। टमाटर, बड़े बड़े टमाटर, क्या बात है, टमाटर की बारिश है ये तो। अरे वाह ये तो सही है। ऐसा लगता है मैं जन्नत में हूँ। टमाटर, बड़े बड़े टमाटर। अरे ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? टमाटर की बारिश हो रही है यहाँ पर। अरे रुको मैं आ रहा हूँ। ये तो कितना बड़ा है, इससे अच्छा टमाटर मैंने कभी नहीं खाया। अरे बाप रे, बहुत जोर के लग गए पीछे। मेरी पूछ कहाँ से आ गई? अरे मेरे पैरों को क्या हो रहा है? ये क्या कोई मजाक चल रहा है? अरे मेरा सर टमाटर हो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक टमाटर नहीं हूँ। मेरे पैर, मेरी पीठ, मेरा सर, वो बस एक सपना था। मैं अभी भी लक्का ही हूँ। मैंने हाल में इतने सारे टमाटर खाए हैं कि वो सपनों में भी मुझे डरा रहे हैं। अरे लक्का भाई, तुम्हारे लिए पैकेट है दोस्त। टमाटर आ गया है। मैं और टमाटर नहीं देख सकता हूँ अब। हेलो सर, कैसे? हेलो लक्का, तुम्हें टमाटर कैसा लग रहा है? तुम्हारे हिसाब से काफी ताजे है ना, जहाँ से आए हैं। और तो नहीं भेजेंगे ना सर? मैं सोच रहा था कि अगर टमाटर के अलावा कोई और सब्जी होती तो भेज सकते थे। मैं नहीं मानता कि ये प्राकृतिक प्रदूषण रहित है, ये जरूर सस्ता और न बिकने वाला टमाटर होगा। बस बहुत हो गया, मुझे टमाटर खाना छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं एक राक्षस बन जाऊंगा। मैंने इरादा पक्का कर लिया, मैं अब और टमाटर नहीं खाऊंगा। लेकिन फिर मेरे पास दूसरा खाना खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। अरे रुको, क्या बात है? मैं अपना खाना खुद उगा सकता हूँ। ओहो कितना समझदार है तू लक्का। मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए खाना। बाबू क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ मिला? मुझे ढेर सारे टमाटर मिले हैं।
अरे ये तो टमाटर जैसे दुनिया के सबसे अच्छे टमाटर हैं। टमाटर अच्छा है, मैं ये नहीं समझा कि लखा ये सब फेंक क्यों दिया। लखा ऐसे खाना बर्बाद करना बहुत गंदी बात है। लखा तुम मेरी बात सुन रहे हो? वो घर पर नहीं है, ऐसे किसी के घर में घुसना सही बात नहीं है महाराज। हम थोड़ा शिक्षित और अच्छे परिवार के बंदर हैं, हम यहाँ बैठकर इंतजार करेंगे। खाद्य प्रशासन के अनुसार करोड़ों के संख्या में टमाटर गुणवत्ता की जांच में विफल हुआ, लेकिन फिर भी यह किसी तरीके से बाजार तक पहुंच चुका है। ये बेकार के टमाटर बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर से खराब है। अगर आप गलती से टमाटर खा लेते हैं तो बहुत बीमार पड़ सकते हैं। तो याद रखिए, टमाटर खरीदते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। धन्यवाद। कुछ हो गया है, बाहर निकलो, बहुत बड़ी मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम्हें क्या हो गया, बोलो। बबलू, मैंने कुछ खराब टमाटर खाया था जो लखा ने फेंक दिया था। महाराज, क्या हो गया आपको? ला 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 ला। आराम कर लेता हूँ। दरअसल ये शहर के भेजे हुए टमाटर जैसे सुंदर तो नहीं, लेकिन कम से कम सच में प्राकृतिक तो है। ठीक है, काम पर वापस चलता हूँ। अरे ये क्या हो गया? लखा के बच्चे, पता है तुमने क्या किया है? तुमने यहाँ चारों तरफ जहरीला टमाटर फेंका है जिससे रेंजो की तबीयत खराब हो गई है। क्या जहरीला? रेंजो, थोड़ा मेरे प्यारे प्रजा लोग, तुम्हारे राजा और तुम्हारे साथ नहीं होंगे। तुम लोग एक साथ रहने का वचन दो मुझे। रेंजो, बबलो, मैंने हवेली में कुछ केले बचा के रखे हैं, खा लेना। महाराज, मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर मत जाइए। क्या वो मर गया? रेंजो, ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने क्या किया? ये तुम्हारे फेंके हुए टमाटर ही खाया था। अरे यार, मेरा यकीन करो, तुम हमेशा किसी तरह मुझे ही बुरा आदमी क्यों बनाते हो? मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। ये टमाटर तो मेरे सर ने भेजे थे। तुम्हारा बॉस? क्या तुमने उसका एक भी टमाटर खाया? हाँ, लेकिन मैं बीमार नहीं पड़ा और मैंने उन्हें फेंका नहीं। अरे याद आया, मैंने सिर्फ आंगन में उन्हें इकट्ठा करके रख दिया था। असल में वो लखा के आंगन में मिला था, कचरे के डिब्बे में नहीं। बाबू, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने उसका खाना चुराया। ये एक तरह का जुर्म है, बताए तुम्हें। तुमने काफी निराश किया मुझे, लेकिन पहले रंजो को ठीक करना है। लखा, क्या तुम बोलते हो? पहले मुझे नीचे उतारोगे? माफ करो लखा, ये थोड़ी गलत तो नहीं हो गई थी? उसने मेरा खाना खाया और तुम मुझे धमकाने चले आए। तुम जानवर भी कभी कभी हद कर देते हो। हाँ, मैं नहीं करूँगा मदद तुम्हारी। मेरे महाराज को बचा लो, मैं तुम्हारे पैर पीटता हूँ। क्या बात पक्का है? बेकार है, क्या बात है? बार बार कहा गया, जब उसकी जरूरत है। तुम्हारी मदद करूँगा और उसकी हालत पता करूँगा। तापमान तो स्वाभाविक है, दिल की धड़कन भी चल रही है। महाराज, जरा देखने दो। कैसा है वो? क्या तुम उसे जगा सकते हो? बता नहीं सकता, इसका पेट काफी सख्त है। अच्छा बाबू, इसने कुल मिलाकर कितने टमाटर खाए होंगे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, दस, पंद्रह। याद आया, इन्होंने 30 टमाटर खाए थे। क्या कहा? वो एक बार में 30 टमाटर खा गया? अच्छा, अभी समझ में आया। बाद हजमी, उसने ज्यादा खा लिया है। ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। सच में? दरअसल वो ये सच है कि उतने टमाटर खाने से मैं थक गया था, तो मैं सो रहा था, लेकिन अब मेरा पेट भर गया है। ठीक है बाबू, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। अरे लखा, अगर तुम जानते हो कि तुम्हारा बॉस टमाटर खाने के लिए सुरक्षित है, तो फिर ये तुम नई सब्जियां क्यों लगा रहे हो? मेरे सर ने मुझे पगार नहीं दी और बदले में खाना भेज दिया, लेकिन तुम्हें पता है उसने मुझे सिर्फ टमाटर ही भेजे और मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज टमाटर खा खा के। देखो, सिर्फ टमाटर ही खाया जा रहा था। कुछ पल के लिए मुझे लगा मैं कहीं एक बड़ा टमाटर न बजाऊं। अब मैं टमाटर देखता हूँ तो उल्टी आती है, तो मैंने यहाँ खुद अलग सब्जियां उगाई हैं, जैसे पत्ता गोभी, बैंगन और सलाद बनाने के लिए खीरा, और ऊपर से मेरी सब्जियां खाने में बाजार की सब्जियों से काफी अच्छी भी है।
खाकर देख लो। वाह बहुत अच्छा, मैं देख सकता हूँ। बहुत स्वादिष्ट। मैं कोई मजाक थोड़ी कर रहा था, मैं इस बगीचे में काफी मेहनत करता रहता हूँ। स्वादिष्ट है, कितना अच्छा है। डब्लू खाने का वक्त हो गया है और तुम अभी तक सो रहे हो। आज खाना ढूंढने की तुम्हारी बारी है, उठ जाओ छोटे भाई। मैं एक और मिनट सो लूंगा तो तुम्हें क्या बुरा लगेगा, बोलो। छोटे अठारह घंटे की नींद काफी नहीं होती है। अरे ये तो मेंढक है। मेंढक भाई कहाँ जा रहे हो तुम? अरे केले का छिलका ये मुझ पे किसने फेंका? डब्ल्यू हाय तुम्हें इस तरह की गंदगी नहीं पहननी चाहिए। मैं एक राजा हूँ, जो मर्जी कर सकता हूँ, समझे तुम? कभी कभी तुम थोड़ा बड़े अजीब लगता हो, गंदगी फैलाना बंद करो। क्या फर्क पड़ता है बाबू, अब चलो। महाराज गिर गए हैं, अब आंखें नहीं खोल रहे हैं। हमें यह कचरे का डिब्बा का इस्तेमाल क्या करा? अब मुझे कहाँ कहाँ मिलेगा? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे वाह कितनी खूबसूरत है। ए तितली नहीं मत जाओ। क्या तुम्हें भूख लगी है? कहाँ चले गए वो? कहाँ गए? अरे छोटे देखो, मुझे देखो ध्यान से। बाप रे मेरी पूछ, मेरी पूछ, मेरी पूछ भाई, बचाओ भाई। मेरा पेट भर गया। डब्लू देखो खुद को जरा। अरे एक पंछी। डब्लू अगर हम घर नहीं पहुंचे तो माँ चिंता करेगी। डब्लू उसे बुरा बंद करो, वो सिर्फ एक चिड़िया है, समझे तुम? ए भाई क्या हम उन पंछियों की तरह पेड़ पे नहीं रह सकता है? वो बहुत अच्छा होगा तब हम उनके साथ दोस्ती करेंगे और क्या लगे भाई, समझ गए? ये असंभव है, पंछियों के पर होते हैं, हम बालों के नहीं, हम उससे काफी अलग होते हैं, हम पेड़ पर नहीं रह सकते, समझे छोटे? लेकिन किसने ट्राई किया कि भालू पेड़ पर नहीं रह सकता है? छोटे तुम्हें किसने कहा कि भालू पेड़ पर रहते हैं? चलो पेड़ पर रहना चाहता हूँ। अब हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। अरे ये क्या है? क्या ये तो जैसे इंसानों के पैर के निशान है। क्या इंसानों के पैर के निशान? भाई पेड़ियों की आवाज आ रही है, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, भालू कभी नहीं डरते, समझे छोटे? बाल बाल बच गए भाई, अगर हम पेड़ पे चढ़े होते तो बहुत सुरक्षित होता है ना। हाँ बोलो। अब जाने भी दो छोटे,
लेकिन ये सच है ना भाई, पेड़ सुरक्षित होता है, पंछी हमारे पड़ोसी होते हैं और फिर हम पेड़ पर एक सुरक्षित घर बनाते हैं। हाँ, कितना मजा आता है, बोलो ना भाई। भाई चलो ना, चलो ना, हम पेड़ पर एक घर बनाते हैं, चलो तुम भी यही चाहते हो ना भाई, बोलो चलो ना। ठीक है, लगता है ये अच्छा ही होगा। तुम मेरा सबसे अच्छे भाई हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ भाई। अरे भाई छोड़ो मुझे, वो रुक गया, अब हम घर जा सकते हैं, कल हम एक पेड़ पर घर बनाएंगे, ठीक है डब्लू? काम खत्म। कोई बात नहीं, मैं फिर से शुरू करूंगा। डब्लू, इस घर के लिए हमें कुछ और डालियां चाहिए, चलो ढूंढ कर लाते हैं। ठीक है। डब्लू, हमें इस घर को पेड़ पर लेके जाना होगा, फिर हम घर चले जाएंगे, समझे तुम? चलो जल्दी। ठीक है। देर हो गई, आशा करता हूँ कि माँ हम पर गुस्सा नहीं करेगी। ये कितनी खूबसूरत है भाई, देखो ना छोटे। यहाँ डब्लू संभाल के, देखो इसे, जल्दी आओ जल्दी, समझे? रुको। डब्लू, वो ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, हम सुरक्षित हैं। ठीक है। डब्लू रुको, बाय 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 बाय, बचाओ भाई। क्या तुम ठीक हो? ठीक है। ओए आगे करो भाई, वो वहां पर है। नहीं वो वहां पर है, देखो भाई। वो आवाज उस तरफ से आ रही थी, चलो जल्दी। हाँ, चलो चलो चलो, आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो, चलो चलो चलो। वो वहां पे है, उसे भागने मत देना। अरे आओ, उस तरफ भाग के पीछे देखो। वो चला गया उस तरफ, भाग के उधर उधर उधर। अरे उधर है, उस तरफ जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे इधर इधर इधर, चुप रहो छोटे, वो उस तरफ भागा है, पीछे करो उसका। ये रहा। डब्लू, मैंने तुम्हें खाना ढूंढने के लिए कहा था, तुम क्या कर रहे हो? भाई वहां देखा, उधर। क्या? एक सेकंड रुको, ये तो हमने ही बनाया था। बिल्कुल ठीक, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमने यही झाड़ पे घर बनाया था। विश्वास नहीं हो रहा है, ये अभी तक वैसा ही है। यहाँ देखो डब्लू, हमारी कितनी सारी लताएं मिली हैं। अच्छा, ये तैयार है डब्लू, खींचो इसे। वाह, अब इसे देखना चाहोगे?
तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थोड़े फल खाओ, इसे अपना ही घर समझो, ठीक है? वाह कितने सारे फल, हम नम नम। अरे वाह बबलू, सुनने में आया है कि तुम दोनों यहाँ अच्छा वक्त बिताते हो। बबलू तुम वो कहानी क्यों नहीं सुनाते? जब हम छोटे बच्चे थे हमारी मुलाकात यहाँ पे हुई थी, देखो टूटा हुआ तारा।